खबरों की नई। चक्रवाती तूफान गुलाब के कारण पिछले दो दिन से हो रहे लगातार बारिश के कारण एरिया 9 के अंतर्गत धनुडी प्रोजेक्ट कार्यालय के दो मंजिला भवन देर रात गिर गया है, जिसमें BCCL के दो गार्ड जख्मी हो गए हैं। दोनों गार्डों को BCCL के सेंट्रल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बता दें कि ये भवन पहले से जर्जर अवस्था में थी, जिसको लेकर कर्मियों ने कई बार प्रबंधन को लिखित शिकायत भी दी थी। वहीं कार्यालय में कई महत्वपूर्ण कागजात एवं कंप्यूटर में डेटा भी थे, जो भी मलबे में दबे हुए हैं। फिलहाल धनुडी प्रोजेक्ट कार्यालय का कार्य प्रभावित है, लेकिन अब यहां के कर्मियों को उन रिकॉर्ड की चिंता सता रही है, जिनका रिकॉर्ड दबा हुआ है। ये कई महीना पहले भी हम लोग प्रबंधन को सूचना लिखित रूप से दे चुके थे कि तत्काल इस ऑफिस को दूसरे जगह कहीं शिफ्ट किया जाए, नहीं तो किसी बहुत बड़ा दुर्घटना होने की संभावना है। लेकिन प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दिया, ये सारा दोष जो है प्रबंधन का है। तत्काल इसको अभी भी देखिए, सारा रिकॉर्ड यहाँ पड़ा हुआ है, सारा रिकॉर्ड नष्ट हो रहा है। कल से इम्प्लॉई का कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा, यहाँ पर आने वाला समय में बहुत कष्ट होगा। मैं प्रबंधन से मांग करता हूँ कि तत्काल इसको कहीं भी शिफ्ट किया जाए जहाँ सुरक्षित हो, और यहाँ जितने लोग हैं उनको भी शिफ्ट किया जाए। बहुत से यहाँ इम्प्लॉई का घर भी है, कुछ आउटसाइडर भी लोग हैं, उनको भी सुरक्षित स्थान पर बसाया जाए। इस घटना में किसी कोई हताहत भी हुई है? दो आदमी को हल्का चोट आई है, इलाज रात में है, अभी वो हॉस्पिटल में गए हैं भर्ती होने के लिए। अवध रवानी और देवनारायण मिस्त्री। अगर कल अगर ड्यूटी के दौरान अगर ये घटना होती तो एक बहुत बड़ा घटना माना जाता है। अगर दिन में अगर ये घटना घटी होती तो कम से कम कई सौ लोग मरते हैं। कितना पुराना मई मंजिल आई है? मंजिल हमको लगता है कि 40 साल नहीं, करीब 50-60 साल पहले का।